क्योंकि सिलेक्शन पढ़ने वालों का नहीं होता, याद रखना। तो 20,000 साल तक पढ़ोगे तब भी सफलता नहीं मिलेगी। स्विमिंग सीखने गए और ऊपर से कूद गए पानी में, बटरफ्लाई करने लगे, तो फिर आत्मा निकल के बाहर बटरफ्लाई करेगी। अवध ओझा से सीखो, पढ़ो मत। बहुत लोग कहते हैं अवध ओझा पढ़ाते नहीं है, कहानी सुनाते हैं, पगैती करते हैं। और एक मंत्र मैं आज बता दूं आईएएस बनने का, उस मंत्र को बता दूं फिर आगे बढ़ता हूं। पढ़ना है क्यों? क्योंकि सीखना है। सीखना है क्यों? क्योंकि समझना है, और समझने से सफलता मिलती है। तो जितने लोग जीवन में पढ़कर सफलता पाना चाहते हैं वो सब फेल है। इसीलिए मैं तुमसे बार बार कहता हूं कि पढ़ने से कुछ नहीं होगा। ये दो चीजें अगर मिसिंग है ये, तो 20,000 साल तक पढ़ोगे तब भी सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन पढ़ाई पहला चरण है, इन दो चीजों को डेवलप करना है। ये दो चीजें तुम्हें सफलता दिलाएंगी। बस यही इस कोर्स का मूल मंत्र है। जैसे पढ़ते हैं ना साइकिल सीखते हैं, सीखना जो है वो एक धीमी प्रक्रिया है, सीखने के बाद पढ़ना एक तीव्र प्रक्रिया है। कोई भी चीज सीखोगे, कोई भी, साइकिलिंग सीखो, स्विमिंग सीखो, ड्राइविंग सीखो, स्लो। पहले दिन पानी में कूद के बटरफ्लाई नहीं करोगे। स्विमिंग सीखने गए और ऊपर से कूद गए पानी में बटरफ्लाई करने लगे, तो फिर आत्मा निकल के बाहर बटरफ्लाई करेगी। जब साइकिलिंग सीख गए तब स्टंट करना शुरू किया। पहले सीखो आराम से, पैनिक होने की जरूरत नहीं। भगवान बनने के लिए तुम पैदा ही हुए हो, भगवान बनने के लिए तो तुम पैदा ही हुए हो, तो उस भगवान बनने की दौड़ में आईएएस पीसीएस एमएलए एमपी मिनिस्टर ये सब तो बन ही जाओगे। पर सीख लो चीजों, भगाओ, हड़बड़ाओ मत, उत्तेजित मत हो, घबराओ मत, आराम से पढ़ा। तो पूरी दुनिया रही है, पूरी दुनिया पढ़ा रही है, तुम परेशान है। क्योंकि सिलेक्शन पढ़ने वालों का नहीं होता, याद रखना। सिलेक्शन पढ़ने वालों का नहीं होता, सिलेक्शन मेहनत करने वालों का नहीं होता। किसका होता है? पढ़ना है, सीखना है, समझना है, और फिर सिलेक्शन लेना है। ये समझने वालों का सिलेक्शन होता है। पढ़ने में जो मजा है ना, बस समझ में आने लगे। जिस दिन तुम पढ़ने लगो और घड़ी तुमने सामने से हटा दी, अब देखने की जरूरत नहीं है, तो समझ लो मजा आ रहा है। और जैसे ही मजा आना शुरू हुआ, जिस चीज में भी तुमको मजा आने लगता है उसमें तुम टाइम नहीं देखते। देखो किसी घर में अगर डेड बॉडी पड़ी पड़ी हो तो रात कटती नहीं है, और अगर 4 पुराने दोस्त मिल गए हैं नर्सरी वाले तो कब सुबह हो गई पता ही नहीं चला। ये तुम लोग पूछते हो ना कितने घंटे पढ़े, कितने घंटे पढ़े, सब बहुत वाहियात बातें। पढ़ाई को मजा बना लो, और मजा तब हो जाएगी जब समझ में आने लगेगी। देखो जहां समझ में आएगा वहां मजा आएगा, और जहां मजा आएगा वहां कोई टाइम नहीं पूछेगा। मजा आ रहा है 10 घंटे 15 घंटे 16 घंटे मजा आ रहा है। 14 साल स्कूल में पढ़े, 3 साल ग्रेजुएशन किए, 17 साल पढ़ना ही नहीं सीख पाए। और ये स्थिति इस देश के 90% युवाओं की है। लोगों से पूछो का पढ़ाई क्यों कर रहे हो? भैया नौकरी करनी है। भैया नौकरी, नौकरी तो बिना पढ़े भी मिल जाएगी। नहीं भैया सरकारी नौकरी करेंगे तो सुंदर लड़की मिलेगी। नौकरी तो बहाना है, कुछ मकसद कुछ और है, शादी करना चाहते हो? नहीं नहीं भैया ऐसे ही बस। यहाँ लोग नौकरी पाने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं इस देश में। पढ़ाई से स्किल्ड लेबर पैदा होता है, ये बात सही, बिल्कुल अच्छी बात। जहां पढ़ाई नहीं होगी वहां अनस्किल्ड लेबर ज्यादा होगी, आमदनी कम होगी। यह सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है वो भी लेबरर ही है लेकिन स्किल्ड है। वो स्किल कहां से आई? शिक्षा से। पढ़ाई का काम है दिमाग को जिंदा करना। अब वो जिंदा दिमाग चाहे नौकरी करे, चाहे बिजनेस करे, चाहे वकील बने, चाहे डॉक्टर बने, चाहे पत्रकार बने, ये उसकी चॉइस है कि मैं एक्सेल कहां करूंगा। बिना मजा के जो काम किया जाए वो मेहनत, और मजे के साथ जो काम किया जाए वो मौज। मेहनत और मौज में फर्क समझ लेना। बिना मजा के जो काम किया जाए वो मेहनत, और मजा के साथ जो काम किया जाए वो मौज। मेहनत कौन करता है? मजदूर। मौज में कौन है? राजा। ये सब नियम है। अवधारणायक उपनिषद, सप्त उपनिषद, तैतरेय उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, मंडूक उपनिषद,
ऐसे एक उपनिषद है अवध रणायक उपनिषद, ये सब नियम उसमें दिए। हमारे पास लोग तैयारी करने आते हैं, जितने लड़के तैयारी करने आते हैं सबका जो सबसे पहला उद्देश्य होता है वो ये कि कन्फर्म कर ले सिलेक्शन होगा कि नहीं, कौन से सब्जेक्ट पे सिलेक्शन होगा, कितने घंटे पढ़ने। उनको ये नहीं पता होता कि इस खेल को समझने पे सिलेक्शन होता है। अब इकोनॉमिक्स से किसी का हो गया सब इकोनॉमिक्स लेने लगे, पब्लिक एड से हो गया सब पब्लिक एड लेने लगे, कोई कह रहा 12 घंटा पढ़ रहे हैं 12 घंटा पढ़ने लगे। कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा और युद्ध सिर्फ दो चीजों से जीता जाता है, एक समझ से एक साथ से। साथ किसका? परमात्मा का। अच्छे मित्र दिला देगा, अच्छी किताबें दिला देगा, अच्छी राय, वो सब होता चला जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा, वो सब होता चला जाएगा। समझ और साथ, ये दुनिया में अच्छा जीवन जीने के दो स्तंभ है। बहुत लोग तैयारी करते रहते हैं, 5-5 साल अटेम्प्ट देते हैं, 6 साल 7 साल 8 साल 9 साल 10 साल काट दिए लोगों ने इस नशे में। तो पढ़ तो सब सकते हैं लेकिन सब समझ नहीं सकते। ये तो कोई पढ़ ले, तोता पढ़ ले, ये तो तोता भी पढ़ ले, तोता भी गीता के श्लोक और कुरान की आयत पढ़ता है लेकिन तोता समझता नहीं। इसलिए तोता तोता ही है, उसे बुद्ध नहीं बन सकता, महावीर नहीं बन सकता, विवेकानंद नहीं बन सकता। बहुत आराम से पढ़ना है, बहुत आराम से शुरुआत के करीब 5-6-7 लेक्चर आराम से, भागना है ही नहीं। तो इस जीवन रूपी महाभारत में तमाम चुनौतियों के बावजूद वो मुक्त हो रहा, मोक्ष को प्राप्त कर रहा, सारे दायित्वों का निर्वाह कर रहा है, भागना नहीं है। और ये दो चीज अगर जीवन में आ गई तो चुनौतियां कितनी भी बड़ी हो आप हंसते हुए सबको क्रॉस कर जाएंगे। किसी भी चीज में अगर तुम्हें जीतना है उस चीज को अपना आनंद बना लो, उससे क्या होगा, किसी भी चीज में, किसी भी फील्ड में अगर तुम्हें जीतना है उस फील्ड को अपना आनंद बना, उससे क्या होगा, उससे तुम टाइम कभी नहीं देगा। जिस चीज में तुम्हें आनंद नहीं आएगा उसमें तुम बार बार टाइम देखोगे। मूवी देख रहे हो, 800 रुपए की PVR में टिकट खरीदे और मूवी कनेक्ट नहीं हो रही, मजा नहीं आ रहा, तो एक रास्ता है कि छोड़ के चले आओ, लेकिन पैसा दियो 800 रुपया, तो बार बार घड़ी देखोगे कि कब पूरा होगा टाइम यार। जिस चीज में तुम टाइम देखना बंद कर दोगे उसमें सफल होने से तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। कुछ लोग घड़ी रख के पढ़ने बैठते हैं, मजा नहीं आ रहा है। जिस चीज में तुम टाइम नहीं देखोगे उस चीज में तुमको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और जिस चीज को भी तुम टाइम देख देख के कर रहे हो वहां तुमको मजा नहीं आ रहा। तुमसे अगर कोई पूछे हुआ तो जाने तुमको क्या सिखाया, कहते ना ये सिखाया, ये चाबी है दिमाग को खोलने की, अवध ओझा से सीखो, पढ़ो मत। बहुत लोग कहते हैं अवध ओझा पढ़ाते नहीं है, कहानी सुनाते हैं, पगैती करते हैं, 17 साल पढ़ के जब कुछ सीखे नहीं पाए, हमसे सीखो, हमसे पढ़ो मत।